السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين किसी शायर ने क्या ही खूब कहा कि जहां जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है, जहां जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है, उनके महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। जो याद मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते, जो याद मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ जिंदगी पाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ जिंदगी पाया नहीं करते। और आला हज़रत फरमाते हैं कि तो जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला, मेरे चश्म आलम से छुप जाने वाले, मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। हजरते मोहतरम, आइए कुछ सुनने और सुनाने से पहले हम सब मिलकर आका इनामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के सैयद व मुख्तार जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पढ़िए बावाज़ बुलंद दो शिफ़ अल्लाहुम्मा صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادی وجود والکرم والی و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی اس محفل پاک کے صدقے मरहमीन की मगफिरत फरमाए। और मैंने अभी अभी जिस आयत करीमा की तिलावत किया वह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जब किसी मुसीबत में हो, परेशानी में हो, तकलीफ में हो तो ये पढ़नी चाहिए, और जब किसी का इंतकाल हो जाता है, इस दुनिया से पर्दा हो जाते हैं, जिन्हें हम और आप मैयत कहते हैं, मुर्दा तो नहीं कहनी चाहिए कि हम कुरान की आयत पढ़ते लेकिन समझते नहीं, क्या पर नफ्सुल मौत कहते हैं, हर शख्स को मौत का मजा चखना चाहिए। जैसे खाना बनाते हैं तो खाना का सालन चखते हैं, पूरा खा कर नहीं बताते हैं कि कैसा है उसका टेस्ट, इसी तरीके से मौत जो आती है वो जिंदा वालों के लिए भी, ईमान वालों के लिए मौत नहीं है, वो तो हम टेस्ट करते हैं, क्योंकि मौत उसे आती है जो ईमान वाला नहीं है।
और जो जिंदा है वो है जो ईमान वाला है, जिसके दिल में अल्लाह उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत है। ईमान वाला कभी मरता नहीं है, वो जिंदा ही रहता है, क्योंकि जब दुनिया से चले जाते हैं तो वो हमें और आपको फायदा पहुंचाता है। और फायदा कैसे पहुंचाता है तो आप शुरू से जरा गौर कीजिए, जब उस किसी शख्स की रूह कब्ज हो जाती है इस दुनिया से, मिसाल के तौर पर चले जाते हैं, तो कोई भी सुनता है कि फलाना शख्स का इंतकाल हो गया तो हम पढ़ते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो जिसको आता है पढ़ते, जिसको नहीं आता है वो नहीं पढ़ते हैं। जिसको आता है, लेकिन बहुत सारे मौत पर लोग खुशी भी मनाते हैं कि फलाना शख्स का बहुत बड़ा शैतान आदमी का इंतकाल हो गया, और बहुत सारे लोगों को तकलीफ, खुशी भी होती है, तकलीफ भी होती है। क्यों? क्योंकि हमारे खानदान से, हमारे खानदान वाले का इंतकाल हो गया तो हमें तकलीफ हुई, लेकिन जिससे दुश्मनी होता है उसे खुशी मिलती है कि फलाना शख्स का इंतकाल हो गया, अब उससे हमको छुटकारा। लेकिन जब वो शख्स इंतकाल हो जाता है किसी शख्स का, तो जितने भी लोग सुनते हैं तो अक्सर लोग इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं। तो जितने लोग पर है सबको सवाब मिला, मुर्दा को नहीं मिला। उसका सवाब हम भेजेंगे तब मिलेगा, हम उसके लिए इशार करेंगे तब मिलेगा, उनके नाम पर कुरान पढ़ेंगे तब मिलेगा, उनके नाम पर मिलाद कराएंगे तब मिलेगा। लेकिन जितनी चीज हम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो उसको अभी नहीं, उसके नाम पर करेंगे तब। नियत नहीं है कि उसके नाम से महफिल मना रहे हैं, उसके नाम से कुरान पाक पढ़ा रहे हैं, उनके नाम पर खाना पकवा रहे हैं। जितना भी पका ले उनको फायदा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हमने नियत नहीं किया। जैसे मौला साहब ने कहा, इन्नमल आमालो बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियत पर। जब हम नियत ही नहीं करेंगे तो फायदा कैसे पहुंचेगा? तो मिसाल के तौर पर हमने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमें सवाब मिला, आपको सवाब मिला। फिर जब उनको लेटा देते हैं तो उनके पास कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग, बहुत सारे लोग नहीं, कुछ लोग कुरान शरीफ लेकर आते हैं, वो दिखावा के लिए पढ़ते हैं या इसाले सवाब के लिए पढ़ते हैं वो हमें पता नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि फलाना शख्स आया कलामे पाक पढ़ा, फलाना शख्स आया उन्होंने दुरूद शरीफ पढ़ा, कलमा पढ़ा, लेकिन किस मकसद से वो पढ़ने वाला पढ़ता है वो अल्लाह वाला हम नहीं जानते, आप नहीं जानते, पढ़ने वाला जानता है कि हम दिखावा के लिए पढ़ रहे हैं, कि मरहूमीन की मगफियत के लिए पढ़ रहे हैं, उनके इंसान के लिए पढ़ रहे हैं, वो आप जाने और अल्लाह उसका रसूल बेहतर जाने। तो क्या हुआ, मरने के बाद जो हम उनके पास कलामे पाक पढ़ते हैं हमें फायदा पहुंच रहा, उनको कोई फायदा नहीं। हम पढ़ रहे हैं, वो सुन रहा है, वो देख रहा है। अल्लाह ने मरहूमीन को मुर्दा नहीं कहा, कुरान में जिंदा को मुर्दा कहा है, जो खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, उसे मुर्दा कहा। सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, अल्लाह ने कुरान मजीद में जिंदा, यानी हम जैसे लोग, जैसे खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, हम लोगों के बारे में मुर्दा कहा, जिनकी रूह कब्ज हो जाती है उन्हें मुर्दा नहीं कहा। तो वहां और आप वहां पर कलामे पाक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसे नहलाते हैं, नहलाते हैं तो नहलाने वाले को भी सवाब मिलता है। अब नहलाने का तरीका क्या है वो नहलाने वाले जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, अब कैसे जानते हैं वो आप लोग जानते हैं, लेकिन हम तरीका यहाँ नहीं अब बताएंगे, क्योंकि आप लोग बहुत जानकार हैं, बताने से फायदा नहीं, आप वही करेंगे जो रीति रिवाज है। मसाइल के तरफ हम नहीं जानते, अल्लाह उसके रसूल के अहादीस के तरफ नहीं जानते, बल्कि हम रीति को निभाते हैं, रिवाज को निभाते हैं। सारा कपड़ा हम देते लेकिन कफन पे बखीली कर देते हैं, कफन में बखीली करते हैं, क्योंकि हम और आप जानते कि ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, ऐसे नहीं काटना चाहिए कफन को। लेकिन जो तरीका है, जो रसूल ने सिखाया,
सहाबा जो सिखा रहा, औलिया सिखा रहा, उल्मा सिखा रहा, किताब किस लिए दिया? ताकि उसमें पढ़ो, और पढ़ने से सब समझता नहीं है, क्योंकि उसको समझने के लिए आपको उस्ताद के पास जाना होगा। अगर ऐसा होता है किताब पढ़ के सब आलिम बन जाता तो किसी को मदारिस में जाने की जरूरत नहीं, किताब पढ़कर डॉक्टर बन जाता किसी को कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं, किताब पढ़कर डिग्री हासिल कर लेता तो किसी को सर के पास टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं। जरूरत क्यों है? क्योंकि हम किताब पढ़ते लेकिन हमें समझ में नहीं आती है, हम नहीं समझ पाते हैं। बहुत सारे समझ जाएंगे और बहुत सारे अल्फाज नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए कहा गया मदरसा में जाओ, स्कूलों में जाओ, तब जाके सब चीज समझोगे। फिर उसके बाद मुर्दा को नहला दिए, नहलाने वाले को सवाब, कफन पहना दिया, पहनाने वाले को सवाब। फिर जब उसको कंधा पे लेते हैं तो कंधा पे लेने वाले को सवाब मिलता है, मुर्दा को नहीं। हम लिए कंधा, 40 कदम चलेंगे उसका भी सवाब। बड़े बड़े 40 कबीरा गुनाह माफ होता है, कितने 40 कबीरा गुनाह माफ होता है। नहलाने वाला जब किसी मैयत की ऐब को देखे, बुराई को देखे, नुक्स को देखे, उसे छुपानी चाहिए, उसे पर्दा करनी चाहिए, उसे छुपानी चाहिए, उसे आवाम के सामने जाहिर नहीं करनी चाहिए कि फलाना मैयत में ऐसे था, ये था, वो था, ये जाहिर नहीं। बल्कि जो शख्स उसके ऐब को छुपा लेगा तो ऐब छुपाने की वजह से अल्लाह उसकी सारी गुनाहों को माफ करता है। तो हम क्या करते हैं, जो कमी रहती है उस ऐप को हम जाहिर कर देते हैं और जो अच्छाई रहती है उसको छुपा लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम ऐप को जो नुक्स है तो उसे छुपाए और जो अच्छी बात है उसे जाहिर करें। जैसे कभी कभी मुर्दा के जिस्म से खुशबू भी आती है, उसका चेहरा रौनक नूर से चमकता भी है, कि ये सब हम जाहिर नहीं करते। तो नहलाया, नहलाने वाले को सवाब, कफन पहनाया, कफन पहनाने वाले को सवाब, कंधे पे लिया, कंधे वाले को सवाब। फिर जब हम वहाँ कब्रिस्तान में ले जाते हैं, कब्रिस्तान में जब वहाँ रखे तो वहाँ नमाज जनाजा पढ़ाया तो नमाज जनाजा पढ़ाने वाले को सवाब, जिंदा है उनको सवाब, जो मौजूद है उनको सवाब, जो गायब है उनको सवाब। सिर्फ एक मुर्दा की वजह से, एक मैयत की वजह से सब लोगों को सवाब में शामिल कर लिया, सारे लोगों को सवाब में शामिल कर लिया। फिर उसके बाद जब हम मिट्टी डालते उसके कब्र में रख दिए, कब्र में रखने के बाद जब हम मिट्टी डालते तो पढ़ते मिनहा खलकनाकुम वा फीहा नुईदुकुम वा मिनहा नुखरिजुकुम तातन उखरा, तो ये कलाम पाक की आयते करीमा, तो वो भी सवाब। जब हम कलाम पाक की तिलावत करेंगे, आयात पढ़ेंगे तो हमें सवाब, क्योंकि एक अल्फाज पर, एक लफ्ज पर हमें 10 नेकियां मिलती है। तो 10 नेकियां मिलती है, तो मिनहा खलकनाकुम वा फीहा नुईदुकुम वा मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, तो ये हमें सवाब मिला है ना। अजान दिए, हमें सवाब मिला। जब ये कार्यक्रम खत्म, फिर तीजा हमारा फायदा, आपका फायदा, खाना खाया आपका फायदा, लिफाफा मिला मेरा फायदा होता है ना। फिर 40वां मेरा फायदा, खाना खा, गोश्त भात खाएंगे, खाना है इसका फायदा, मुर्दा को भी फायदा नहीं है, मुर्दा दुनिया से चलेगा लेकिन फायदा जिंदों को पहुंचा रहा है, हम सबको पहुंचा रहा है, क्योंकि हमने नियत नहीं किया है। सब चीज खा रहे हैं, पी रहे हैं, जितना सामान यहाँ तो कब्रिस्तान में ले जाके उनके कब्र में तो नहीं देंगे, यहाँ तो हम ही खाएंगे। तो सारा चीज किसकी वजह से, एक शख्स दुनिया से गया उसकी वजह से 40वां, तीजा, 20वां सारा चीज किया, और फिर सारे लोग भी एक जगह इकट्ठा हुआ, जो कभी जिंदगी में आपस में मोहब्बत नहीं हुआ करती थी, एक इंतकाल होने की वजह से सारे लोग आ भी जाते हैं, देख भी लेते हैं, मुलाकात भी कर लेते हैं, सलाम भी कर लेते हैं। तो किसकी वजह से, एक मैयत की वजह से। तो आप जरा गौर करें कि एक मैयत, सिर्फ हम जिंदा को फायदा पहुंचाया लेकिन हम कितना फायदा पहुंचाए, जरा गौर किए कितने लोग हैं जो आप उनके नाम पर हिसाब की,
कितने लोग हैं जो उनके नाम पर कुरान पढ़ा है, कितने लोग हैं जो उनके नाम पर कलमा पढ़ा है, कितने लोग हैं जो उनके नाम पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र किया है, कितने लोग हैं जो अपने मरहूमीना के नाम पर सदका किया है, कितने लोग हैं जो अपने मरहूमीन के नाम पर खैरात किए हैं, कितने लोग हैं जो अपने मरहूमीन के नाम के लिए इसाले सवाब करते हैं, कब नजर आएगा ये सब दिखावा। तीजा कर लिए, चालीसवा कर लिए, फिर सालाना वो ड्यूटी हो गई कि हम सालाना कर रहे हैं, चालीसवा कर रहे हैं, तीजा कर रहे हैं, लेकिन छोटा करो लेकिन नेक नियत से करे, सच्ची नियत से करे, तब हमें फायदा पहुंचेगा। हम खाना खिला फायदा पहुंचे, लेकिन कोई भी काम कीजिए तो पहले नियत कर ले, नियत कर लेंगे तो उसका फायदा, हमारा बैठना भी सवाब, सांस लेना भी सवाब, चलना भी सवाब, घूमना भी सवाब, अच्छी बात करना भी सवाब, जितना सवाब मिलेगा मरहूमीन को पहुंचता रहेगा। जब नियत नहीं करेंगे तो जितना भी आप सालाना मना ले, जितना भी चालीसवां मना ले, कोई फायदा मरहूमीन को पहुंचने वाला नहीं। तो हम और आप अब क्या करें, मरहूमीन तो चले गए, मरहूमीन ने हमें और आपके लिए इतना सारा सवाब तो लुटा दिया, लेकिन हम क्या करें, हम कलाम पाक की तिलावत किया करें, उनके नाम पर एक कुरान खत्म करें, दस कुरान खत्म करें, या जिंदगी भर खत्म करते रहे, फिर भी हमारे लिए मरहूमीन के लिए कम होगा। तो आप एतराज कर सकते हैं कि बहुत टाइम लगेगा, हमारे और आप इतना मोटा कुरान पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, कम टाइम में छोटा सा कोई वजीफा बता दीजिए, कोई अमल बता दीजिए, जैसे हम आज और आप लंबा काम नहीं सोचते हैं, लंबा टाइम देना नहीं चाहते, अगर नाच का रिवाज हो, नाच गाने का, रात भर नाचने के लिए हम और आप तैयार रहेंगे।